सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर से। यहां पे पिछले दो दिन हो गए मुझे, आज सेकंड डे है। अभी जो होटल है उसका मैं चेकआउट कर रहा हूं। होटल काफ़ी सुंदर था, काफ़ी खूबसूरत था, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सब कुछ तहस नहस है, आप देख रही है हाल। हमने होटल का जो रूम का कर रखा है, ये अपना टिकटॉक वाला वही पैक जो है तैयार है, चश्मा यहाँ पर दूसरा वाला, और ये अपना मोबाइल, इसको क्या बोलते हैं, अपना ब्लूटूथ। पानी की बोतल खाली हो चुकी है, मोबाइल में फ़ोन लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, इस रूम को मैं अभी खाली कर रहा हूँ, इसका चेकअप कर रहा हूँ। सामने का नज़ारा एक बार आपको दिखा देता हूँ। बालकनी व्यूज आप काफ़ी अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, आप देख पा रहे हो। थोड़ी थोड़ी धूप है यहाँ पर, ठंडी हालांकि बिल्कुल कम है, ठंडी इतनी है नहीं जितना बोलते हैं कि राजस्थान में उतनी इस पर ठंडी है नहीं। और ये है मिरर जिसके अंदर मैंने पहना है आज मेरा नया वाला शर्ट, जो कि मैं आसिफ भाई के वहाँ से कपड़ा लेके आया था, जमालपुर से। तो ये मतलब उन्होंने स्टेटस रखा था और मैंने देखते ही मैंने बोला था ये वाला कपड़ा मुझे चाहिए, तो कपड़ा लाया, फिर इसको मैंने सिलवाया। तो कैसा लग रहा है मेरा ये नया शर्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ उदयपुर में, आज काफ़ी जगह घूमने वाला हूँ, उदयपुर के अंदर काफ़ी जगह घूमने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा उदयपुर के अंदर घूमने का। तो मैंने अपने फ्रेंड मुकेश को भी कॉल लगा लिया है, मुकेश और पुलकित दो दोस्त हैं उनमें से जो आता है उसके साथ, फिर मैं बाइक पे गाड़ी पे घूम के फिर उदयपुर की सैर करते हैं और फिर शाम को लगभग मैं रवाना हो जाऊँगा अहमदाबाद के लिए। तो चलिए वीडियो को रखते हैं कंटिन्यू। सो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पे रिक्शा का इंतजार कर रहा था, तो कोई रिक्शा फिलहाल मिल नहीं रहा था, सुबह की तरह सुबह भी ऐसा ही था। तो यहाँ पे एक भैया है जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी है, वैसे लिफ्ट मिलना इंडिया में बहुत कम मिलती है, हालांकि आज के दौर में मैं भी अहमदाबाद में देता हूँ लिफ्ट, लेकिन देनी चाहिए अच्छे लोगों को लिफ्ट आने की, जो जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये जीवन का सिद्धांत है। तो मैंने भी किसी को लिफ्ट दी है, तो वो लिफ्ट आज मुझे मिली है यहाँ पे। फाइनली ये जो भैया थे इन्होंने मुझे लिफ्ट दी, काफ़ी अच्छा लगा मतलब उदयपुर के अंदर। और अभी यहाँ से मुझे यहाँ से थोड़ा सा चल के सामने जाना है और वहीं पे बाइक जो है सर्विस में दी हुई मुकेश भाई की, वो बाइक लेके फिर मुझे जाना है ऑफिस पे सेक्टर 6 में। तो ये आइनॉक्स यहाँ का, ये मैं कौन से जा रहे थे, ये अपना हाइट पुलिया बोलते हैं, बिल्कुल हाइट पुलिया, बिल्कुल थैंक यू भैया, है ना ओके। सेक्टर 6 के लिए कहाँ से मिलेगा मुझे? तो मैंने पुलिस वाले भैया से एक बार फिर से पूछा उदयपुर के अंदर राजस्थान के अंदर, और इन्होंने मुझे सही बताया, गाइडेंस किया। कहाँ से सर? यहाँ से, इस कोने से सीधा, इस कोने से सीधा सेक्टर 6 के लिए। कैसे हो, आपकी तबीयत वगैरह बढ़िया ना एकदम? चलिए मिलते फिर, है ना ओके ब्रदर। तो मुझे सेक्टर 6 जाना है, उसके लिए मुझे भैया ने बताया कि मुझे यहाँ से मिलेगा। और टेम्पो की जो कतार है काफ़ी ज़्यादा लगी हुई यहाँ पे, काफ़ी भरा हुआ है जगह है आगे सेक्टर 6। तो फाइनली यहाँ पे मुझे रिक्शा मिल चुका है सेक्टर 6 जाने के लिए। तो मैंने पुलिस वाले भैया से पूछा, उन्होंने मुझे बिल्कुल राइट बताया, बट यू नो आई थिंक कि पूछना गलत बात नहीं, क्योंकि कई बार गूगल भी धोखा देता है, कल जैसे गूगल ने धोखा दिया था। तो मुझे जाना है सेक्टर 6, और सेक्टर 6 के लिए अभी मैंने टेम्पो पकड़ लिया यहाँ का जो लोकल रिक्शा से उदयपुर राजस्थान का। और टेम्पो क्या बोलते हैं इसको, टेम्पो बोलते हैं ना, टेम्पो। सो फाइनली जो बाइक है उसको भी मैंने कॉल किया था बाइक वाले को, तो उन्होंने बोला बाइक अभी रेडी नहीं हुई है, बाइक शाम को 5-6 बजे तक रेडी होगी, तब तक तो मुकेश भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है टेम्पो, जो कि यहाँ का देसी टेम्पो बोलते हैं। अभी टेम्पो में बैठ के मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एक रूट है वहाँ पे, वहाँ से मुझे दूसरा रिक्शा चेंज करना पड़ेगा जो मुझे सेक्टर 6 में छोड़ेगा ऑफिस पे। तो ऑफिस का कामकाज पता कि उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए।
फिर से बोलिए एक बार, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलिए, अभी ज़्यादा ठंडे बोलिए बोलिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडे भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुका हूँ, भैया बोले ज़्यादा ठंडे भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो बोले हाथ लगा के देख लीजिए, वैसे अभी कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, ओमिक्रॉन, फिर भी ये छूने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है महोदय, मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे मिर्च दे दीजिए, चटनी नहीं चाहिए, चलेगा, मुझे मिर्च दे दीजिए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे समोसा लिया है, उसके साथ में मैं हरी मिर्च ले रहा हूँ और बैठ के थोड़ा खा लेता हूँ हल्का फुल्का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो ये मिर्ची आ चुकी है इसके साथ में, तो मैं यहाँ पे एक समोसा पहले खा के देखता हूँ। अच्छा है टेस्ट, वैसे काफ़ी अच्छा है। वैसे राजस्थान के टेस्ट की तो बात करना, मतलब राजस्थान में आप कुछ भी खाते हो, वैसे ठंडा भी खाते हो तो अच्छा लगता है। राजस्थान में खाना पान काफ़ी अच्छा है, यहाँ का मतलब कचौरी समोसा तो आते अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, मीडियम है। फाइनली मैंने यहाँ पे समोसा खा लिया, मुझे समोसा काफ़ी अच्छा लगा, ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था, मीडियम था, काफ़ी अच्छा स्वाद लगा मुझे, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। सो टू बी कंटिन्यू।